सरबजीत सिंह के परिजन उससे मिलने आज जा रहे हैं लाहौर। सरबजीत सिंह की हालत अब भी गंभीर, हमले के बाद जिन्ना अस्पताल के आईसीयू में कर रहे हैं जीवन से संघर्ष। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, सरबजीत को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उसे भारत वापस लाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना पर निगरानी के उद्देश्य से बुलाई जिला मजिस्ट्रेटों की बैठक। 121 लक्षित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट लेंगे इस बैठक में हिस्सा। सरकार ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बनाए जाएंगे सख्त कदम। कहा, फर्जी स्कीमों के तहत कई कंपनियां लगा रही हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को चूना। प्रधानमंत्री ने कहा, अवैध चिटफंड कंपनियों पर रखा जाएगा नियंत्रण। पश्चिम बंगाल की शारदा जैसी चिटफंड कंपनियों पर छापे। सेबी, आरबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की कार्रवाई। शारदा घोटाले में एक और आत्महत्या का मामला आया सामने। कंपनी के ही एक एजेंट स्वप्न कुमार विश्वास ने अपनी 4 लाख रुपए की जमा पूंजी घोटाले में लिप्त शारदा ग्रुप की चिटफंड कंपनी में लगाई थी, लेकिन कंपनी की पोल खुलने के बाद उसने पूर्वी बंगाल के पुरुलिया जिले में की आत्महत्या। शुक्रवार की रात को कर्नाटक के बेलगांव के नजदीक एक 20 साल की कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की खबर आई सामने। वह बेलगांव से अपने गांव लौट रही थी। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बेलगांव में कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस तरह के मामलों में पिछले 5 वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। झारखंड में बोकारो के जैविक उद्यान में एक सफेद बाघ शावक की मौत। पिछले एक साल के अंदर इस उद्यान में 5 बाघों की या बाघ शावक की मौत हो चुकी है। अभी तक इनके मरने के कारणों की पुष्टि नहीं। पाकिस्तान के कराची में 2 बड़े राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर किए गए 3 बम धमाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और बच्चों समेत 40 से अधिक लोग घायल। पहले 2 धमाके औरंगी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चुनावी दफ्तर और एक शिया मस्जिद के समीप हुए, जबकि तीसरा विस्फोट घनी आबादी वाले क्षेत्र लियारी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की चुनावी रैली में हुआ। बांग्लादेश में इमारत ढहने के मामले में 2 फैक्ट्री मालिकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस भीषण दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 350। राहत कर्मी घायलों को बाहर निकालने में जुटे। 8 मंजिला व्यावसायिक इमारत राणा प्लाजा बुधवार को ढह गई थी। बोइंग के ड्रीमलाइनर 787 ने कई महीने बंद रहने के बाद कल अपनी पहली उड़ान भरी। 2 घंटे की उड़ान में उसने इथियोपिया के आदिस अबाबा से कीनिया की राजधानी नैरोबी तक का सफर तय किया। बैटरी में खराबी आने के बाद दुनिया भर में ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान स्थगित कर दी गई थी। लगातार 135 घंटे तक गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद भारत के गायक पारस मणि चौधरी एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे। इस बार उनका इरादा लगातार 144 घंटे तक गाना गाने का है। वे दिल्ली के चितरंजन पार्क में अपना गाना शुरू कर चुके हैं। 30 अप्रैल तक उनका यह कार्यक्रम चलेगा।